दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो. इफ़ यू हैव नॉट वॉच द फर्स्ट वन, गो एंड वॉच. वी विल टॉक अबाउट द फैक्ट्स विच आर वेरी क्लोज टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड इट्स हिस्ट्री. सो लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट वन इज डब्ल्यू बी ईट्स वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ विच पोएट. किस पोएट के कंटेम्प्रेरी रहे थे डब्ल्यू बी ईट्स, विलियम बटलर ईट्स? तो ये थे टी एस एलियट, क्योंकि दोनों ही बिलोंग करते थे मॉडर्न एज से, और इनका भी जीवन काल 1865 से 1939 तक रहा था. और आपने जाना होगा कि जो है टी एस एलियट 1888 से 1965 तक थे. आगे बात करें तो द कॉकटेल पार्टी एक प्ले है, ये लिखा गया है टी एस एलियट के द्वारा. कैसा प्ले है? तो ये मोरलिटी प्ले है. द कॉकटेल पार्टी इज अ मोरलिटी प्ले जो कि वर्स में लिखी गई है टी एस एलियट के द्वारा. इनका जीवन काल मैंने नीचे लिख दिया है 1888 से 1965, जो भी मैंने कहा भी. आगे बढ़ें तो विलियम कंग्रीव की बात करें तो विलियम कंग्रीव किस पीरियड से बिलोंग करते थे, किस पीरियड से बिलोंग करते थे? तो ये थे रिस्टोरेशन पीरियड से बिलोंग करते थे, और ये एक प्ले राइट थे विलियम कंग्रीव. इनका बहुत सारा है प्ले. 1670 यानी 1670 से 1729 तक इनका जीवन काल था. आगे बात करें डॉक्टर फॉस्टस की. डॉक्टर फॉस्टस एक ट्रेजडी प्ले है जो कि क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखी गई है, और इस नाम को भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित माना जाता है, क्योंकि ये वही थे जो कि विलियम शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी थे. और ऐसा माना जाता है कि यदि ये सही तरह से जी लेते तो आज विलियम शेक्सपियर को हम उतना याद नहीं करते जितना कि क्रिस्टोफर मार्लो के करते. बहुत ज़्यादा कम एज में इनकी डेथ हो गई थी, इस वजह से ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए, ज़्यादा प्लेज नहीं लिख पाए. और बात करें इनकी तो यूनिवर्सिटी विट्स में भी इनको गिना जाता है. तो ध्यान रहे, यदि एग्ज़ाम में पूछा जाता है यूनिवर्सिटी विट्स में 6 या 7 पोएट आते हैं जो कि लेट 16 सेंचुरी से बिलोंग करते थे, एलिजाबेथन एज के टाइम में ही. और इनमें कौन कौन थे? तो इनमें 2 यूनिवर्सिटी से आते थे, एक कैम्ब्रिज से और एक ऑक्सफर्ड से. तो एक ग्रुप जो कि कैम्ब्रिज से आता था उसमें थे क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, टोमस नैस, ये तीनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे. और बाकी के 3 जो थे, जॉन लिली, टोमस लॉज एंड जॉर्ज पील, ये तीनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे. कभी कभी टोमस किड को भी इसी ग्रुप में शामिल किया जाता है. तो ध्यान रहे यूनिवर्सिटी विट्स में कौन कौन पोएट्स आते हैं. एग्जाम में बराबर पूछ लिया जाता है कि क्या विलियम शेक्सपियर थे, क्या वो यूनिवर्सिटी विट्स के पोएट थे या यूनिवर्सिटी विट्स थे? तो नहीं, वो नहीं थे, जबकि वो क्रिस्टोफर मार्लो के कंटेम्प्रेरी रहे थे. क्योंकि ये किसी खास ग्रुप के लिए फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है यूनिवर्सिटी विट्स, इसीलिए ध्यान रहे कि क्रिस्टोफर मार्लो इसमें आते हैं लेकिन विलियम शेक्सपियर नहीं आते हैं. ठीक है, आगे बढ़ें तो ईएम फॉस्टर की बात करें तो ईएम फॉस्टर एक मॉडर्न एसेइस्ट, नॉवेलिस्ट और राइटर हैं, जिनका जन्म 1819 और मृत्यु 1970 में हुआ. सेलिंग टू बाइजेंटियम जो कि आपके सिलेबस में एक पोएम भी है, लिखा गया है ये डब्ल्यू बी ईट्स के द्वारा. आगे बात करें तो रिचर्ड सेरेडन, ये एक प्ले राइट थे जिनका जीवन काल रहा 1751 से 1816 तक का. ये आयरलैंड से बिलोंग करते थे, ये भी एक आयरिश प्ले राइट थे, ध्यान रहे रिचर्ड सेरेडन. ठीक है, आगे बात करें तो जॉन डन, बहुत ही चर्चित नाम है क्योंकि आपने मेटाफिजिकल पोएट्री पढ़ा होगा, तो ये फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री के तौर पर जाने जाते हैं. और इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स कि पहला बार जो इस टर्म को यूज किया था मेटाफिजिकल पोएट या पोएट्री टर्म को, मेटाफिजिकल टर्म को कह सकते हैं, ये सैमुअल जॉनसन ने किया था. सैमुअल जॉनसन वाज द फर्स्ट टू क्वाइन द टर्म मेटाफिजिकल. और मेटाफिजिकल पोएट जो बिलोंग करते थे वो 1600 लेकर 1690 अर्थात 17 सेंचुरी के ग्रुप से बिलोंग करते थे. उनमें कौन कौन आते थे जॉन डन के अलावा? तो वो थे जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉगन, एंड्रयू मार्वेल और रिचर्ड क्रेसो. ध्यान रखिएगा कि जॉन मिल्टन कोई मेटाफिजिकल पोएट नहीं है, वो एक एपिक पोएट के तौर पर जाने जाते हैं. आगे बढ़ें तो द रेनबो, रेनबो एक पोएम है जो कि लिखी गई है डीएच लॉरेंस के द्वारा, ध्यान रहे. उसके बाद हम चार्ल्स डिकेंस की बात करें जिनका जीवन काल 1812 से 1870 तक का रहा था. ये विक्टोरियन नॉवेलिस्ट थे, इनकी कुछ नॉवेल्स यहाँ पर हमने लिखी है, ए टेल ऑफ टू सिटीज, ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, एक क्रिसमस कैरल
और हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स इंपॉर्टेंट है और ए टेल ऑफ टू सिटीज़ तो आप लोग आगे पढ़ेंगे भी पार्ट टू या थर्ड में। आगे बात करें तो हिस्ट्री प्लेज, ध्यान रखिएगा कि विलियम शेक्सपियर ने बहुत तरह के प्लेज लिखे हैं जिसमें कि कॉमेडी, ट्रेजडी और एक और जो जैनर है वो है उनका हिस्ट्री प्ले का भी, यानी ही ऑल्सो रोट हिस्ट्री प्लेज। उनमें कौन कौन थे तो रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ, रिचर्ड थर्ड, हेनरी सिक्स्थ, किंग जोन, हेनरी एट्थ, तो ये सब इनके हिस्ट्री प्लेज थे। ठीक है, आगे बात करें बेन जॉनसन की, तो बेन जॉनसन जिनका जन्म 1572 में हुआ था और मृत्यु 1637 में, ये एक पोएट और प्लेराइट थे। इनकी जो फेमस प्ले रही वो थी एल्केमिस्ट और वाल्पोनी, और ये ह्यूमरस कॉमेडी के लिए जाने जाते थे। थिरसिस की बात कर लें, थिरसिस एक पास्टोरल एलेजी है जो कि मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा लिखी गई है। ये भी ध्यान रखिएगा चूंकि मैथ्यू आर्नल्ड की बुक है आपके सिलेबस में द स्कॉलर जिप्सी, इसलिए हो सकता है ये क्वेश्चन रहे, थिरसिस ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो पी बी शेली जो कि 1792 से 1822 तक जिए, ये एक रोमांटिक पोएट थे। पी बी शेली की बात करें, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज, ये सब जो है रोमांटिक पोएट में ही गिने जाते हैं। इनकी पोएम आपके सिलेबस में है ओड टू द वेस्ट विंड, और इसके अलावा ओज़िमांडियास इनका फेमस वर्क है, उसके अलावा एक और टू ए स्काई लार्क। आगे बढ़ें तो द पोएट हु वॉज लास्ट टू बॉर्न फर्स्ट टू डाई, ध्यान रखिएगा ये पूछा जाता है कि हु वॉज द पोएट हु इज सेड टू बी लास्ट टू बॉर्न फर्स्ट टू डाई, यानी अंतिम में जन्म लेने वाले या आखिरी में जन्म लेने वाले और पहले मरने वाले। तो आपको याद होगा कि मैंने कल ही बताया था कि जॉन कीट्स एक ऐसे पोएट थे जो कि बहुत ही कम उम्र में, 26 साल में इनका निधन हो गया, 1795 में जन्मे और 1821 में ही इनकी मृत्यु हो गई ट्यूबरक्लोसिस के कारण। उस समय टीबी का कोई इलाज नहीं था इस वजह से, और इसी कारण से इनको जो है लास्ट टू बॉर्न फर्स्ट टू डाई कहा जाता है, यानी वर्ड्सवर्थ के बाद जन्मे, वर्ड्सवर्थ के पहले चल बसे, क्योंकि वर्ड्सवर्थ 1770 में आए थे और जिए थे 1850 तक, यानी कहीं ना कहीं बहुत कम समय के लिए जिए, और रोमांटिक पोइट्री में इनका भी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा था। आगे बात करें तो गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर किसको कहा जाता है, तो एलिजाबेथन एज आपको पता होना चाहिए। एलिजाबेथन एज इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जस्ट बिकॉज इट वॉज द एज ऑफ लव फॉर प्लेज, प्ले के लिए बहुत ज़्यादा आर्ट को बहुत प्रमोट करती थी क्वीन एलिजाबेथ जो थी, वो आर्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती थी। यही कारण था कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर इतना ज़्यादा उभर पाए, प्लेज को बहुत सपोर्ट किया, थिएटर्स को सपोर्ट किया, पोएट्स को काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट करती थी वो। और ये एज रहा था 1558 से लेकर 1603 तक। और एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्या मिल्टन का जन्म से ही अंधा था? नहीं, मिल्टन वॉज नॉट ब्लाइंड बाय बर्थ, ही बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44, 44 की उम्र में वो ब्लाइंड हो गए थे, और उनका जीवन काल 1608 से लेकर 1674 तक का थक था। और इनके आप जानते होंगे इपिक पोएट्री जो है, इनकी इपिक पोएम्स हैं वो पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेंड बहुत ही ज़्यादा चर्चित है, उसमें से पैराडाइज लॉस्ट जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ब्लैंक वर्स का मतलब होता है जिसमें कोई राइमिंग नहीं हो, और इनको इपिक पोएट के तौर पर भी देखा जाता है और ये इपिक पोएट्री के तौर पर, और ये बेस्ड थी बाइबल पर, और एक रिलीजियस इपिक पोएट्री भी माना जाता है इसको, और पोएट को एक रिलीजियस पोएट भी माना जाता है मिल्टन को, बहुत है यहाँ पर ध्यान रहे आप लोगों को। पोएट्स पोएट किसे कहा जाता है? पोएट्स पोएट एडमंड स्पेंसर को, कल याद होगा मैंने कहा था कि चाइल्ड ऑफ रेनासा एंड रिफॉर्मेशन, नहीं, चाइल्ड ऑफ रेनासा एंड रिफॉर्मेशन कहा जाता है एडमंड स्पेंसर को, ये कहा था चार्ल्स लैम ने ही, और ये भी पोएट्स पोएट का जो टाइटल है दिया है चार्ल्स लैम ने ही एडमंड स्पेंसर को, पोएट्स पोएट कहे जाते हैं ध्यान रखें, कवि के कवि है ना। आगे बात करें तो प्री रोमांटिक पोइट्री, ये एक ऐसा पोइट्री रहा, यानी रोमांटिक एज से पहले का जो कुछ पोइट्री था वो फॉर्म में क्लासिकल तो ज़रूर थी, लेकिन उसका जो कहा जाता है कि नेचर जो था वो रोमांटिक जैसा ही था, क्योंकि वो प्रकृति के बारे में ही होता था, और जो कुछ लिखी जाती थी वो रोमांटिक एज से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी। आगे बात करें तो मेटाफिजिकल पोइट्री किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है? वो थॉट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, ध्यान रहे मेटाफिजिकल पोइट्री गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू थॉट्स देन फीलिंग्स, ये फीलिंग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती। लेकिन यदि हम बात करें रोमांटिक पोइट्री की तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है फीलिंग्स को, थॉट्स को नहीं, और यही कारण है आपको याद होगा मैंने बताया है कि एक डिफिनेशन जो दी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, याद होगा पोइट्री की डिफिनेशन दी है, द पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस
ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार, खास करके रोमांटिक एज की बात कर लें तो ये पोइट्री को ही डिफाइन किए थे कि इमोशंस ही पोइट्री है। तो इसी समझ ही सकते हैं कि इमोशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, फीलिंग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, कौन? रोमांटिक पोइट्स। लेकिन मेटाफिजिकल पोइट्स में ये उल्टा था, ये लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस थॉट्स को देते थे। अब एक लास्ट फैक्ट की बात कर लें कि द प्री रेफेलाइट पोइट्री ये क्या है, जानिए ज़रा। ये काफ़ी ज़्यादा मेलोडियस और पिक्टोरियल अपने कैरेक्टरिस्टिक के लिए जानी जाती है। ये कुछ खास पोइट्स थे जो कि बिलोंग करते थे विक्टोरियन एज से, लेकिन ये टाइम पीरियड था 1848 से 1900 के बीच का। ये जो पोइट्स थे ये खिलाफ थे रोमांटिक पोइट्री के, रोमांटिक पोइट्री के अगेंस्ट थे, और ये लोग एक अलग ग्रुप अपना बनाए हुए थे। इनका जो पोएम्स जो हुआ करता था काफ़ी ज़्यादा, ये लोग राइमिंग वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देते थे, मीटर पर ज़्यादा ध्यान देते थे, इमेजरी यानी पिक्टोरियल हुआ करती थी, काफ़ी इमेजरी भी हुआ करता था इनके पोएम्स में। तो दिस वॉज द फैक्ट। आई होप आपको कोई कहीं पर डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। And thank you for watching this one too. And if you have not watched the first one, I am again telling you, go and watch. Thank you so much.